प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज बच्चों, जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेने जा रहा हूँ, मेरे पिछले 26 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों के सामने जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, उसको मैं कुछ हल करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। वहाँ पर बच्चों को ये बड़ी दिक्कत आती है कि कब सिलेक्शन है या कब अरेंजमेंट है, कब NPR यूज़ करना है, कब NCR यूज़ करना है। तो बच्चों, NPR तो मैंने आप लोगों को कभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है क्या होता, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि आपने उस क्वेश्चन के अंदर कैसे ढूंढना है कि वो परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। इसको आज समझने की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। बच्चों, जो यदि NPR का जो मतलब होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे होता है। वो सिलेक्शन का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन, NCR का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चले कि ये आपकी सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है, तो आज मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने डिस्कस करने की कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्शन है या अरेंजमेंट। देखो बच्चों, जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक पोजिशन हो, क्या हो, स्पेसिफिक पोजिशन हो या ऑर्डर हो। ऑर्डर तो आपने सुना होगा, डिटर्मिनेंट का भी ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होता है, और उसके बाद पॉलीनोमियल की डिग्री होती है और उनकी भी डिग्री होती है। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या, अरेंजमेंट। ऑर्डर का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। तो वो क्या होगा, आपका परम्यूटेशन होगा। क्या होगा वो, परम्यूटेशन। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है। तो पहली बात ये है कि स्पेसिफिक क्या होगा, स्पेसिफिक पोजिशन होगी और दूसरी बात ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब आप लोगों को मालूम है, जीरो की वैल्यू, यदि जीरो को नंबर के स्टार्टिंग में लगा दें तो उस नंबर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, यदि उसको लास्ट के एंड में लगा दें, राइट हैंड साइड में लगा दें, तो उस नंबर की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आए फॉर्मिंग अ नंबर, तो इसका मतलब आपने फटाफट समझ जाना है कि वो आपका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स वाला कोई ऑर्डर नहीं है, डिटर्मिनेंट वाला कोई ऑर्डर नहीं है, जज वाला कोई ऑर्डर नहीं है, ये क्या पोजीशन है। अब आपको जैसे 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो अब आपको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो आपको मालूम है जीरो की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी, यदि जीरो को यदि यहाँ लगा दिया तो नंबर 3 डिजिट का हो जाएगा। तो जब भी फॉर्मिंग का डिजिट होगा, या आपको कोई कोड वर्ड बनाना है, अल्फ़ाबेट से बनाना है, यदि कोई डिक्शनरी के वर्ड बनाने हैं, तो उसमें सब में क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। ये बात आप लोगों ने दिमाग में ध्यान में रख लेनी है। और यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर इसको आज हम कह सकते हैं कि ये आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, ये जब दोनों के बीच में एक मैच चल रहा है, तो इसको हम कह देते हैं अरेंजमेंट वर्सेस सिलेक्शन। और सिलेक्शन का मतलब और भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक पोजिशन नहीं होती, नो, और इसके अंदर कोई ऑर्डर भी नहीं होता, नो। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के अंदर आपने 11 प्लेयर 17 प्लेयर हर टूर के अंदर जाते हैं, कहीं जब वो फॉरेन कंट्री के अंदर अपना टूर करने जाते हैं, तो वहाँ पर 11 प्लेयर चूज करने होते हैं। तब 11 प्लेयर यदि चूज करने हैं तो वो क्या बच्चों, सिलेक्शन है। क्या वो सिलेक्शन है। और यदि हम कहते हैं कि उन प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर दे दो, बैटिंग ऑर्डर भी आ गया, तो वो किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे, तो वो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो इसके अंदर ये लिख लो, चूज 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 16। और यदि यहां पर हम कह रहे हैं बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर ऑफ 11 प्लेयर्स from selecting 16 players, तो ये आप लोगों को बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। और बच्चों, सिलेक्शन जो है कलेक्शन है, सेक्शन की सिलेक्शन का एक कलेक्शन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सेट के अंदर समझाया था, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे मैंने पर ABC 3 नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, चाहे आप इसको, इस सेट को इस तरह लिख दो,
सी ए बी लिख दो चाहे बी ए सी लिख दो, तो ये तीनों सेट क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम है और इक्वल सेट्स हैं, तो सिलेक्शन भी इसी तरह है, इसके अंदर तो कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता। यदि कोई अरेंजमेंट होता, जैसे मैंने आपको संता वाला एग्जाम्पल दिया था, संता अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचवाने जाता है तो वाइफ जो है उसको चांटा लगाती है, क्योंकि फोटो फोटो जो है दोनों पोजिशन में नहीं होती, वाइफ एक बार राइट में तो एक बार क्या होनी चाहिए, लेफ्ट के अंदर होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के अंदर सिर्फ क्या है, ओनली सेलेक्ट करना। तो ये सेट है, चाहे जो ए बी सी हो चाहे सी ए बी हो, वो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो ये कलेक्शन होती है, क्या होती है ये कलेक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों मैं और आगे आप लोगों के साथ बात करता हूं। अब आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर 500 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं जो हमारे पूरे देश को चलाती हैं। अब मिस्टर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब उन्होंने 11 मेंबर्स उसमें से चूज करने हैं, तो वो आपको नजर आ रहा है वो क्या होगा, सिलेक्शन है, वो क्या है, सिलेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने समझ लो 50 सिलेक्ट करने हैं, 50 आउट ऑफ 546 कर लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने 10 पोजीशन, तीन पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना है, किस किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना है, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और बोलो कम्युनिकेशन मिनिस्टर, तो बहुत सारे मिनिस्टर हो सकते हैं। अब यदि किसी स्पेसिफिक मिनिस्टर के लिए चूज करना है तो वो बच्चों हमेशा क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, क्या होगा बच्चों, अरेंजमेंट होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, यदि उन्होंने यदि 50 मेंबर सिलेक्ट करने हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि उन्होंने किसी पोजीशन के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए यदि कोई नाम आ जाता है तो वो क्या होगा, परमुटेशन होगा, वो क्या होगा, परमुटेशन। अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, इधर मैं लिख देता हूँ, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन, और सिलेक्शन का मतलब कलेक्शन, कलेक्शन कह सकते हो, और साथ में क्या कह सकते हो, कॉम्बिनेशन। प्रिया आपको समझ आ रहा है, हाँ जी आपको समझ आ रहा है बच्चों, अच्छी तरह समझ आ रहा है ये बात। अब बच्चों मेरे पास मार्बल्स कह लो चाहे बॉल्स कह लो, अब मेरे पास बॉल्स हैं 15 बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं 15, और सारी बॉलें क्या हैं बच्चों, अलग अलग हैं, सारी बॉलें क्या हैं, अलग अलग, ठीक है। और यदि उसमें से तीन बॉल्स मुझे सिलेक्ट करनी है, 3 बॉल्स हैज टू सिलेक्ट, ठीक है। और वहां पर इस तरह के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे आते हैं जिसमें बच्चे झूम जाते हैं, यदि उन्हें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन किया हुआ आ जाता है तो उसको तो पूरा कर लेते हैं, यदि क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है। और परमुटेशन की वैल्यू आप इस बात से जान सकते हो, पहले जो प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी वो 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ करती थी, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है 6th क्लास से इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब वो यदि लैंग्वेज के अंदर कह रहा है कि 15 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, 3 बॉल्स सेलेक्ट साइमल्टेनियसली, क्या कह रहा है बच्चों, साइमल्टेनियसली, तो तब क्या होगा बच्चों, 15C3। अब वो कह रहा है जी 15 बॉल्स हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं कैसे, 1 by 1, व्हेन 1 by 1, ठीक है। यदि वो कह रहा है 1 by 1 तो इसका मतलब क्या है, वो आपका अरेंजमेंट है, वो आपका क्या है, परमुटेशन है, क्या वो आपका परमुटेशन है, क्या है बच्चों, परमुटेशन, ठीक है। अब यदि वो इस तरह भी आपको कहता है कि बैग है उसमें 6 रेड बॉल्स हैं, जी मैंने इसको बैग बना दिया, आर मीन्स रेड बॉल्स, और 4 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, अब मुझे 2-2 बॉलें सेलेक्ट करनी है, ठीक है, मुझे 6 बॉलें सेलेक्ट करनी है, ओके। और सेलेक्ट करने के बाद अरेंज भी करना है, चाहे ये बॉलें एक जैसी हैं तो उसको हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखो बच्चों, 6 रेड बॉल हैं, 4 वाइट हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लो 6C2, 4C2 इंटू 3C2, अब 6 बोले हो गई, अब इसको अरेंज भी करना है, साथ में उसने क्या क्या कर रखा है, अरेंज भी करना है, तो ये करेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। तो जी आपको मालूम है कि जब बोले सेम होती हैं, जैसे मैंने आपको एप्पल वर्ड कराया था उसमें पी दो बार रिपीट होता है, तो नीचे क्या आ जाता है, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। तो टू व्हाइट बॉल्स के लिए आ गया, टू रेड बॉल्स के लिए आ गया, टू ब्लू बॉल्स के लिए आ गया। तो ये बात आपको समझ आ गई या नहीं आ गई? अब आपको समझ आ रहा है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फ़र्क है, और मैं बहुत सारे केसेस और लेता हूँ जिसमें आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों इधर मैं आपको कहता हूं, थ्री बॉयज हैज टू सिलेक्ट थ्री गर्ल्स आउट ऑफ फाइव गर्ल्स फॉर मैरिज। ये बताओ बच्चों परम्यूटेशन है या क्या है? ये बच्चों क्या है, अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट। और यदि ये बात इस तरह कही जाए, थ्री गर्ल्स सिलेक्टेड, थ्री गर्ल्स हैज टू सिलेक्ट आउट ऑफ फाइव गर्ल्स, तो सत्यम जी बताओ ये क्या है, ये क्या है, सिलेक्शन है। मौसम समझ आया, प्रिया समझ आया, शिल्पी समझ आया, समझ आई बच्चों, शालिनी समझ आया, सबको समझ आ गया अच्छी तरह, कोई क्लियर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बच्चों एक केस और लेते हैं। अब बच्चों मैं ये आपको कहता हूं कि आपने स्कॉलरशिप है, क्या बच्चों स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर बहुत बढ़ती है, फाइव स्कॉलरशिप और सारी आइडेंटिकल है, सारी क्या है बच्चों आइडेंटिकल, मतलब सेम अमाउंट की है, मतलब जैसे ओलंपिक्स चल रहे हैं तो उसमें गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल वगैरह दिया है, वो अलग अलग है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम स्कॉलरशिप। तो तीन स्टूडेंट्स आउट ऑफ थ्री स्टूडेंट्स को देनी है और आउट ऑफ फाइव स्कॉलरशिप देनी है फाइव स्टूडेंट्स को आउट ऑफ हंड्रेड, आउट ऑफ हंड्रेड। तो ये आंसर क्या होगा बच्चों, हंड्रेड सी फाइव, ठीक है। अब यदि इसी को ये कह दिया जाए कि फाइव डिस्टिंक्ट स्कॉलरशिप हैज टू बी गिवन, हैज टू बी गिवन टू फाइव स्टूडेंट्स आउट ऑफ, आउट ऑफ हंड्रेड, तो ये क्या होगा बच्चों, हंड्रेड पी फाइव, ठीक है। और यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, हो सकता है पहली थाउजेंड वाली हो, अगली एट हंड्रेड वाली हो, उससे अगली नाइन एटी वाली हो, तो इस तरह ये फर्क आ जाता है। तो ये बात आप लोगों को बच्चों समझ आई या नहीं आई? ठीक है बच्चों, अच्छी तरह समझ आया, ठीक है। तो इस तरह आप इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ पर परम्यूटेशन है और कहाँ पर परम्यूटेशन है, कहाँ पर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं कहता हूं फाइव पॉजिटिव साइंस है, फाइव कैसे साइंस है बच्चों, पॉजिटिव। अब तीन नेगेटिव साइन और फाइव पॉजिटिव साइंस को अरेंज करना है, और नेगेटिव साइंस जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये बच्चों सारे के सारे साइंस क्या थे बच्चों, आइडेंटिकल। इनको चूज करने के वे कितने हैं, वन। अब नेगेटिव साइन कैसे अरेंज किए जा सकते हैं, फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सिक्स और यहाँ पर क्या आएगा, सी थ्री, सिक्स सी थ्री और इंटू वन इंटू वन। ये बात आई बच्चों समझ। अब इसी बात को मैं कहता हूँ कि फाइव बॉयज, बॉयज वन, बॉय टू, बॉय थ्री, बॉय फोर, बॉय फाइव, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, लड़के सारे क्या होते हैं, अलग अलग। और तीन गर्ल्स मुझे अरेंज करनी है और गर्ल्स नेवर टुगेदर, वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, पहले पांच लड़कों को बिठाया, फाइव पी फाइव, क्योंकि जी आपको पता चल गया जी सब डिस्टिंग्विश अलग अलग हैं, और छह पोजीशन बन गई। तो लड़कियों को जो बिठाना है तो क्या होगा, सिक्स पी थ्री। तो इस तरह आप लोगों ने इसके बीच में डिफरेंस पैदा करना है कि कहाँ पर परम्यूटेशन है और कहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई या नहीं आई अच्छी तरह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।